Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well and welcome to yet another skincare MT video. आज मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने फिनिश किए हैं इंक्लूडिंग देयर फाइनल वर्ड. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले मैंने MT किया है दिस बायोडर्मा सेंसी बायो H2O micellar water. मुझे नहीं आया मेरी कौन सी बॉटल है, आई थिंक इट्स माई फिफ्थ और सिक्स बॉटल जो MT हुई है. हाईली रिकमेंडेड. आई ऑलरेडी हैव बैकअप ऑफ दिस वन. Beautiful micellar water. Next, I have few of the toners. The very first MT is this Benton ka deep green tea fresh toner. Beautiful toner, perfect for dry acne prone skin. Doesn't dry out your skin. I may repurchase this one in future if I need it. Next, I have this keep cool and soothe toner. Beautiful toner, kafi soothing hai. हाइड्रेटिंग है ऑन द स्किन बिकॉज इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, बैम्बू वाटर है. दिस वॉज माई सेकेंड टब. एज यू कैन सी 350 ml का था, ये भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है. नाउ आई हैव अ लेफ्ट विद द बैकअप. आई थिंक 150 ml या 200 ml वाला जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है. उसके बाद विल सी कि अगर मुझे लेना है या नहीं और इफ़ आई वॉन्ट समथिंग एल्स. बट ओवरऑल इट वॉज अ ब्यूटिफुल टोनर, हाईली रिकमेंडेड. Then I have this one thing ka Centella Asiatica ka extract. Beautiful one, काफ़ी soothing है, hydrating है on the skin. But I prefer my Cosrx ka Centella alcohol free toner over this one. But overall it was a beautiful one. Next I have few of the essence. First I have this Cosrx ka Galactomyces 95 tone balancing essence. ठीक है फॉर द हाइड्रेशन. ब्राइटनिंग मुझे बहुत ज़्यादा इसके साथ नहीं दिखी, बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लो भी मुझे इसके साथ नहीं दिखा. जस्ट एक एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए चाहिए देन इट्स फाइन, बट नथिंग मोर देन दैट. नेक्स्ट आई हैव दिस बिलीव का हंगेरियन वाटर असेंस. ज़्यादा यूज़ ही नहीं हो पाया बिकॉज आई रिमेंबर लास्ट टू लास्ट ईयर ये मुझे ऑफर पे मिला था. लाइक मैंने कुछ परचेज किया था उसके साथ, ये फ्री मिला था मुझे. बट उसको कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ बिकॉज ये यूज़ ही नहीं हो पाया और अभी ये एक्सपायर हो चुका है. जेल लाइक टेक्सचर था. बिलीव के प्रोडक्ट्स हाइड्रेशन के लिए अच्छे हैं बट स्किन को सूद करने के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं. हाँ ये है कि थोड़े से ओवर प्राइसी हैं. नेक्स्ट आई हैव दिस अलीशा कोय का कम्बुचा ग्योल बायोम एम्प्यूल. लव्ड इट. इट हैज़ 5% ऑफ नायासिनामाइड. कम्बुचा था, प्लांट शुगर्स थी, सेरेमाइड्स थे, नायासिनामाइड था. तो इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एम्प्यूल. मैं इसको ऐसे सिरम यूज़ करती थी. बहुत ज़्यादा सूदिंग है, कामिंग है ऑन द स्किन. ब्यूटिफुल वन. आई विल डेफिनेटली रीपर्चेज इट. जब भी ये इंडिया में लॉन्च होगा आई एम डेफिनेटली गोना ग्रैब इट. नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे तीन सिरम. एक तो है ये केमिस्टैट प्ले का एजिलिक एसिड कंट्रोल वाला सिरम. एक्सपायर हो गया है, कांट डू मच बिकॉज 6 month की वैलिडिटी थी. ज़्यादा मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पाई. सो नॉट वेरी हैप्पी विद दिस वन. नॉट गोना परचेज बिकॉज एजिलिक एसिड लाइक फॉर मी इट्स नॉट अ गुड इन्ग्रीडियंट. लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट एजिलिक एसिड ने मुझे नहीं दिए. हाँ मेरे जो क्लोज कॉमेडॉन वाला प्रॉब्लम था वो डेफिनेटली एजिलिक एसिड ने ठीक किया था, नॉट दिस वन. बट हाँ, बट बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे अमेजिंग सा इन्ग्रीडियंट ये अभी तक नहीं लगा है फॉर माई स्किन. सेकेंड आई हैव दिस पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स 3% रिप्लेक्सियम फ्रॉम अर्थ रिदम. पेप्टाइड सिरम ढूंढ रहे हो देन आप इसको यूज़ कर सकते हो. बट ऐसे जैसे 21 डेज में कहते हैं कि आपको 10 ईयर यंगर दिखाता है, वैसा तो मुझे पर्सनली कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ था इसके साथ. तो नॉट वेरी हैप्पी और ये भी एक्सपायर हो गया है. नेक्स्ट है ये मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड सिरम. हाइलुरोनिक एसिड था इसके अंदर और साथ में इसमें सेरेमाइड्स भी डले हुए थे. बट अगेन लाइक एज आई सेड, अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा जिसमें मैंने आपको डोंट वेस्ट योर मनी इन दिस एक्स्ट्रा स्किन केयर, अगर आपने वो वीडियो देखा मैंने आपको बताया है कि हाइलुरोनिक एसिड आई पर्सनली फील इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज ऑलरेडी आपके टोनर्स एंड यू नो आपके मॉइस्चराइजर्स में ऑलरेडी हाइलुरोनिक एसिड होता है. सो यू डोंट नीड टू गो एंड बाई एक्स्ट्रा हाइलुरोनिक एसिड सिरम. सो नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड. नेक्स्ट इज दिस टोनर. दिस वन इज़ फ्रॉम अतर कनौज. ये इन्होंने मुझे भेजे थे 2-3-4 प्रोडक्ट जिसमें रोज़ वाटर था और इनके इतर वगैरह थे. ये ख़त्म हो चुका है. इट वाज़ गुड बट अगेन यू नो कुछ लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं था. सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी. बट हाँ इस ब्रांड ने मुझे कहा था कि यू नो ये सैम्पल बॉटल है. बट स्टिल अगर ये सैम्पल बॉटल भी है स्टिल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर वो सब मेंशन होना चाहिए जो इसमें मेंशन नहीं था. सो आई कांट ट्रस्ट देम कि हाँ ये सच में जेन्युइन प्रोडक्ट बेच रहे हैं या नहीं.
बट हाँ हमने यूज़ किया है, लाइक मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया है, ही हैज़ लव्ड इट. नेक्स्ट आई हैव दिस जूसी केमिस्ट्री का 100% ऑर्गेनिक प्रिकली पियर चिया एंड तमानु अंडर आई रोल ऑन. जब मैंने इसको यूज़ किया था इट वॉज़ फाइन, थोड़ी सी ऑयली सी कंसिस्टेंसी का था ये, उसके बाद एक्सपायर हो गया, मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पाई. तो काफ़ी टाइम से मेरे ड्रेसिंग टेबल के अंदर पड़ा हुआ था, लाइक जहाँ पे मेरा स्किन केयर पड़ा हुआ है वहाँ पे ये पड़ा हुआ था. तो मैंने कहा अभी इसको उठा ही देती हूँ यहाँ से, बिकॉज अब तो यूज़ भी नहीं हो सकता. मुझे इनकी द मास्क रोज़ कॉफ़ी आई क्रीम बहुत अच्छी लगी थी, वो बहुत अच्छी है, ये भी ठीक है, बट आई प्रेफर दैट आई क्रीम. अगर आप एक आई क्रीम ढूंढ रहे हो फॉर योर एक्सट्रीमली ड्राई अंडर आईज, दैट इज़ द वन फॉर यू. ये मुझे उतना ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगा, बट इफ़ यू वॉन्टेड टू ट्राई यू कैन. नेक्स्ट आई हैव सनस्क्रीन्स. एक है मेरे पास कॉन्शियस केमिस्ट का सन ड्रिंक हाइब्रिड जेल नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन SPF 50 PA 4+ वाली, हाईली रिकमेंडेड, लव दिस स्टफ, डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेज दिस अगेन. परफेक्ट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, इवन कॉम्बिनेशन स्किन, नो वाइट कास्ट, डजंट स्टिंग इन द आईज, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सनस्क्रीन. नेक्स्ट इज माई अल्टीमेट फेवरेट 1% हेलोरॉनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल फ्रॉम डर्माको. अब ये वाली जो सनस्क्रीन है ना, ये और ये मुझे दोनों सेम लगती हैं, इनकी फॉर्मुलेशन एंड इनकी जो फ्रेग्रेंस है वो एग्जैक्ट सेम है, टेक्स्चर बिल्कुल सेम है. बस ये है कि इसके अंदर आई थिंक सेरेमाइड्स एंड कुछ और चीज़ें भी डली हुई हैं, इसमें हेलोरॉनिक एसिड एंड वो सब डला हुआ है. बट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सनस्क्रीन्स, लव दीज. बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है, आईज में स्टिंक नहीं करती हैं, चिप चिप ऑयली कुछ भी फील नहीं होता है, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वन. एंड नेक्स्ट इज दिस एक्वा ग्लो प्लस, एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन. अगेन जो मैंने इनके केस में बोला वही इसके केस में भी है, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टेक्स्चर, लव दिस स्टफ, डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेज दीज अगेन. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस कलर बार का नेल पेंट रिमूवर. ये मैंने दो लिए थे आई थिंक लास्ट ईयर, अमेजोन से मैंने मंगवाए थे. क्वांटिटी काफ़ी ह्यूज है, लाइक अच्छे खासे आपके लंबे चल जाते हैं. सो या इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ नेल पेंट रिमूवर यू कैन ट्राई दीज कलर बार के, ये सस्ते भी हैं और काफ़ी लंबे आपके चल जाते हैं. नेक्स्ट आई हैव दिस मिनिमलिस्ट का SPF 30 का बॉडी लोशन. ठीक है, थोड़ा सा ऑयली चिपचिपा सा फील होता है, अगर आपकी स्किन थोड़ी ज़्यादा ड्राई है देन ये आप पे परफेक्टली सूट कर जाएगा. बट थोड़ा सा प्राइसी है मुझे ऐसा लगता है, बट हाँ थोड़ा सा प्राइस अगर कम कर दें या इन पे डिस्काउंट मिलता है देन इट्स फाइन. बट थोड़ा सा आई फील इट्स बिट प्राइसी, 500 रुपीज़ में आपको जस्ट 150 ग्राम मिल रहा है. लाइक क्वान्टिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते, लाइक 300 ml अगर होती है तब तो वर्थ होता, बट 150 ग्राम 500 रुपये में एक्सपेंसिव है. I have these two empties from Chemist at Play. एक है मेरे पास 5% niacinamide plus 2% Zemia dry normal skin वाला body lotion and 3% pentavitin, 8% Zemia, 1% niacinamide का hydrating body wash. दोनों ही product बहुत अच्छे हैं. If you're looking for, if your skin is very very dry, looking for a body wash, आप ये ले सकते हो. बहुत ज़्यादा dry skin है, normal to dry skin है, आप ये 5% niacinamide वाला बॉडी लोशन ले सकते हो. ब्राइटनिंग का देखो एज सच मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ मेरी आर्म्स पे कि हाँ यू नो इसने मेरे आर्म्स को ब्राइटन अप किया है, बट हाँ इट मॉइस्चराइज वेल. एंड मैं इसको अपनी लेग्स एंड फीट पे भी लगाती थी एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ये मेरे जो ड्राई, बहुत एक्सेसिव वाले ड्राई फीट एंड एड़ियाँ थी ना, उनको इसने काफ़ी हद तक ठीक कर दिया है. सो या अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, आई थिंक दिस गोना बी अ परफेक्ट परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू. And whether I will be repurchasing them, yes, if you remember, even if 50% के ऑफ पे पिक किए थे, तो अगर दोबारा वैसी डील मिलेगी तो मैं डेफिनेटली एक पिक करूँगी. लास्टली आई हैव दिस टू हेयर केयर एम्प्टीज. दीज आर फ्रॉम स्किन फूड का आर्गन ऑयल सिल्क शैम्पू एंड कंडीशनर. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कॉम्बो, लव 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 दिस स्टफ, डेफिनेटली गोइंग टू रिपर्चेज दीज. लाइक जब से मैंने इनको यूज़ करना शुरू किया है मेरा फ्रिज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और मेरे हेयर्स मैनेजेबल हैं, स्मूथ सिल्की शाइनी फील होते हैं. दे डू रिपेयर योर हेयर बिकॉज इनके अंदर सेरेमाइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स वो सब डले हुए हैं. ब्यूटिफुल कॉम्बो, इफ यू हैवंट ट्राई दीज ट्राई वंस, आई एम श्योर यू गोना लव. क्वान्टिटी काफ़ी अच्छी आपको मिलती है यहाँ पे, 500 ml काफ़ी लंबा आपका चल जाएगा. रिमेंबर आई थिंक 3 months हो गए हैं मुझे इनको यूज़ करते हुए, 3 months इन्होंने आराम से मेरे निकाल दिए हैं. बट अभी मैंने बेयर एनाटॉमी का
रिपेयरिंग वाला शैम्पू एंड मास्क लिया है, बट अभी उसके बाद मैंने देखा है डॉट एंड की का जो आर्गन शैम्पू एंड मास्क है, उनके जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो काइंड ऑफ अ सेम है जो इनकी है. सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू चेक दी दोज आउट कि अगर हमें इंडियन मार्केट में ही अगर सेम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं विद सेम फॉर्मुलेशन एंड सेम इन्ग्रीडियंट्स, सो वाई वुड वी गो एंड यू नो वेस्ट आर मनी, लाइक बाहर क्यों हम अपना पैसा भेजें अगर इंडिया में ही वो चीज़ें मिल रही हैं. बट हाईली हाईली रिकमेंडेड, अगर वो डॉट एंड की वाले अगर इतने अच्छे नहीं निकले देन अगेन मैं यही वाला रीपरचेज करूँगी. हाईली हाईली रिकमेंडेड. या गाइज दैट वॉज इट. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है डू गिव दिस वन अ बिग थम्स अप. डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज गाइज. अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्यूटिफुल. बाय बाय.